ये देखिए हमारा आइसक्रीम कितना अच्छा लग रहा है। अमिता किचन में आपका वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी आइसक्रीम, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। तो चलिए बनाते हैं टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। टूटी फ्रूटी आइसक्रीम बनाने के लिए हमने एक बाउल घर का मलाई लिया है, ये देखिए, जो सबके घर में आसानी से अवेलेबल रहता है। इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे। अब हम इसमें 4 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे, उसमें भी चीनी रहता है, इसलिए हम चीनी कम ही डालेंगे। अब इसे हम हैंड मीटर से अच्छे से फेंटेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीटर हो तो उससे भी फेंट सकते हैं। अब इसे हम 5 मिनट अच्छे से बीट करेंगे, जिससे ये लाइट और फ्लफ़ी हो जाए। इसे हमने 5 मिनट अच्छे से फेंट लिया है, ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल स्मूथ हो गया है। ये हमने 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, इसे हम डालेंगे। अब इसे हम 4-5 मिनट और बीट करेंगे। इसे हमें अच्छे से चिकना करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसे हमने 10 मिनट अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच वनीला एसेंस डालेंगे। इसमें इलायची पाउडर डाल के भी बना सकते हैं, ये सिर्फ अच्छे फ्लेवर के लिए होता है। अब हम इसमें 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस तरह का कंसिस्टेंसी है हमारा, ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ और गाढ़ा। अब इसमें जाएगा टूटी फ्रूटी। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे हम एक ट्रे में डालेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डाल देंगे। अब हम इस पर एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट लगाएंगे। आप इसमें एल्युमिनियम फॉयल भी लगा सकते हैं। अब इसे हम बंद करेंगे और इसे हम 7-8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। तो ये हमारा अच्छे से जम जाएगा। अब ये हमारा जम गया है, अब इसे हम खोलेंगे। ये देखिए, ये कितना अच्छा जमा है। अब इसे हम निकालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा टूटी फ्रूटी डालेंगे। आप इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।